हम कुछ लोगों को एक बोट पर सफर करता हुआ देखते हैं और इसी बोट में हम गोंग के साथ उसकी बेटी को भी देख रहे थे जिसका आज बर्थडे था। और गोंग अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। उन लोगों की बातों के दरमियान में सभी लोगों को अब समुद्र में डॉल्फिन्स नजर आने लगी थी जिन्हें वो सब लोग बहुत खुशी और हैरानी से देख रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर ये डॉल्फिन्स खेल नहीं रही बल्कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। और अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस बहुत बड़े से मॉन्स्टर ने उस बोट पर भी अटैक कर दिया था। लोगों ने अभी तक मॉन्स्टर को तो नहीं देखा था लेकिन बोट उलट चुकी थी और सब लोग पानी में गिर गए थे। और इस सब के बाद हमें दोबारा गोंग को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी होश में आया था। और होश में आने पर वो अपने इर्द गिर्द देखता है जहाँ हर कोई मुसीबत में नजर आ रहा था। और उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि उसकी बेटी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। गोंग कंटिन्यूसली अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज उस वॉकी टॉकी से आती है जो वॉकी टॉकी उसने अपनी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट की थी। और उसी वॉकी टॉकी से इन सब लोगों को पता चला था कि सिर्फ यही लोग सर्वाइवर्स नहीं हैं बल्कि यहाँ से दूसरी तरफ भी बहुत से सर्वाइवर्स थे। वो लोग उन सर्वाइवर्स के थोड़ा करीब पहुँचते हैं और उनको अपने करीब बुलाने के लिए सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं। और यही इस सब में गोंग ने भी अपनी बेटी को दूसरे क्राउड में देख लिया था। वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था लेकिन यहाँ पर एक आदमी उसे वहाँ जाने से रोक देता है क्योंकि उस आदमी को जो वहाँ पर नजर आ रहा था वो बहुत ही भयानक था। असल में वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चीज मूव कर रही थी और कुछ ही देर में उन लोगों पर रिवील होता है कि ये चीज जो उनके पीछे चल रही थी ये एक बहुत बड़ा स्नेक था। अब लोग उन बड़े से मॉन्स्टर्स को देखकर यहाँ से दूसरे सर्वाइवर्स की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये मॉन्स्टर उनको यहाँ से भागने तक का टाइम नहीं देता क्योंकि वो सब लोगों को एक ही बाइट में निगल रहा था और साथ ही साथ अपने टेल के अटैक से वो लोगों को ऊपर हवा में भी उड़ा रहा था। यहाँ गैंग किसी न किसी तरह उस मॉन्स्टर से सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था इसीलिए वो बगैर उस मॉन्स्टर से डरे अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो दूसरा आदमी गैंग की जान बचाना चाहता था। गैंग की बेटी उसे देख रही थी और इसी दौरान उस मॉन्स्टर ने गैंग की बेटी को भी निगल लिया था। बहुत सारे लोगों को खाने के बाद वो स्नेक तो यहाँ से जंगल के अंदर चला गया था लेकिन यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन लोगों ने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था। लेकिन यहीं पर हम गैंग को देख रहे थे जिसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी बल्कि वो तो बहुत जोर जोर से रो रहा था। और उसी दौरान उसे अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल्स आते हैं और वो अब अपनी बेटी के पीछे जाने का डिसाइड करता है। असल में वॉकी टॉकी के उस सिग्नल का मतलब था कि वो लोग सांप के अंदर मरे नहीं थे इसीलिए अब गैंग के साथ साथ एक और आदमी जिसका नाम माओ है वो दोनों उस स्नेक के अंदर के लोगों को बचाने का डिसाइड करते हैं जबकि यहाँ के बाकी सब लोग भी उनकी मदद को मान जाते हैं। जिसके बाद काफी सारे लोगों का ग्रुप उन लोगों को बचाने के लिए जंगल के अंदर जा चुका था और जंगल से बाहर खड़े हुए लोग इन लोगों को बेवकूफ कह रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ अंदर जाना खुद ही सुसाइड करने के बराबर है। लेकिन यहाँ उनकी जान कौन सा सेफ थी क्योंकि अब यहाँ पर भी एक अजीब से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था जो कि वो खुद तो नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसकी अजीब सी रेड टंग सबको इनगल्फ कर रही थी यानी अपने अंदर निकल रही थी और सभी लोग डर कर वहाँ से भाग रहे थे। जबकि उसी दौरान दूसरी तरफ हम बड़े से स्नेक को देख रहे थे जो कि अपने नेस्ट में वापस आ चुका था और वहाँ आते ही वो सब लोगों को अपनी बॉडी से निकाल कर उस नेस्ट में फेंक देता है और उनको गिराने के बाद अब वो और फूड इकट्ठा करने के लिए वहाँ से जा चुका था। जबकि यहाँ पर हम लोगों को देख रहे थे जिनमें से बहुत से लोग इस सब के बाद भी जिंदा बच गए थे और इन सर्वाइवर्स में गोंग की बेटी भी थी। जबकि यहाँ पर कैप्टन जो के बचा था वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था लेकिन बदकिस्मती से उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था। और इसी सब के साथ और बुरा ये था कि यहाँ पर स्नेक के बहुत बड़े बड़े एक्स भी थे। कैप्टन उन एक्स को हाथ लगाकर चेक करना चाहता था लेकिन गोंग की बेटी उस कैप्टन को ये करने से मना कर देती है क्योंकि वो एग किसी भी टाइम टूट सकता था और उसमें से एक मॉन्स्टर यानी एक स्नेक निकल सकता था। और अब सब लोग होपलेस हो चुके थे क्योंकि उनको लगता था कि वो मर जाएंगे। और यहाँ एक अजीब बेवकूफ सा बिजनेसमैन एक पत्थर को उठाकर उस एग को तोड़ देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर एग को हम पहले ही तोड़ देंगे तो उसके अंदर स्नेक वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसने अपने
साथ साथ सबको खतरे में डाल दिया था, क्योंकि अब उस एग के अंदर से एक बेबी स्नेक निकला था और स्नेक को देखकर सभी लोग भागकर एक केव के पीछे छुप जाते हैं, जबकि अब स्नेक उन लोगों को खाने के लिए उनके पीछे था। लेकिन इससे पहले कि वो लोगों को खा पाता, वहाँ पर वो एक औरत को देखता है जो कि पैरालाइज थी और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ उसकी मदद को कोई भी आने वाला नहीं था। जबकि वो स्नेक बाकी सब लोगों को छोड़कर उस औरत को खा जाता है, जिससे बाकी सर्वाइवर्स यहाँ पर बच गए थे। और इसके बाद अब हमें जंगल का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर वो ग्रुप जो कि स्नेक के अंदर से लोगों को बचाने के लिए आ रहा था, उसे हम भागता हुआ देख रहे थे। वो सभी लोग स्नेक के पीछे छोड़े हुए जमीन पर उसके निशान को फॉलो कर रहे थे, लेकिन काफी घंटों गुजर जाने के बावजूद वो स्नेक को नहीं ढूंढ पाए थे और ना ही वो स्नेक का नेस्ट ढूंढ पाए थे। इसीलिए वो जंगल में कुछ देर रुक कर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। और गोंग का फ्रेंड माऊ वहाँ पर एक ट्री को काटता है और उस ट्री को काटते ही उसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो गया था, जिसके बाद हम यहाँ पर एक ओल्ड मैन को सिगरेट चलाते हुए देखते हैं, लेकिन गलती से उसके हाथ से मैच स्टिक उस ब्लैक लिक्विड में गिर जाती है जो कि दरख्त से निकला था, जिसके उस लिक्विड में गिरते ही वहाँ पर आग भड़क चुकी थी और सभी लोगों को रियलाइज हो गया था कि ये लिक्विड बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है। और यहीं पर अब गोंग को भी कुछ अजीब होना शुरू हो गया था, उसे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सारे साथी उसके ऊपर हंस रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक है, जबकि यहाँ पर उसे उसकी बेटी की आवाज आती है जो कि उसे ये कह रही थी कि डैडी आप मुझे बचा नहीं पाए। और अब अचानक वो बड़ा सा स्नेक उसके करीब आकर उसको अपने जाल में फंसा लेता है, जबकि यहाँ पर गोंग उससे बचने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसके मुंह पर कोई पानी गिराता है। यहाँ हमें मालूम हुआ था कि गोंग के साथ असल में ये सब कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि ये सब कुछ उस स्मेल का असर थी जो कि उस ब्लैक लिक्विड के जलने पर आ रही थी। और उसके उठते साथ ही गोंग नोटिस करता है कि ट्री के टेंटिकल्स लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब था कि वो एक आम ट्री नहीं था बल्कि वो एक बहुत खतरनाक ट्री था। वो लोग यहाँ पर अपनी कोशिशों से सबको बचा लेते हैं सिवाय एक आदमी के, जिसके अंदर ट्री अपने टेंटिकल स्टैप कर चुका था, जिसकी वजह से वो मर चुका था। और लोग अब ये देखकर शॉक हो चुके थे कि वो ट्री अब अपने टेंटिकल्स उन लोगों की तरफ बढ़ा रहा था उन लोगों को मारने के लिए, और वो लोग अब उस ट्री से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अब हमें स्नेक के नेस्ट का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर उस बिजनेसमैन ने बेबी स्नेक को मार दिया था। और उस स्नेक को मारने के बाद अब वो बिजनेसमैन जिस तरह पागल हो चुका था, वो सबसे लड़ रहा था और सबको ब्लेम कर रहा था कि यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है वो उन सब की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सुशी है, वो उसको काम डाउन करती है और बताती है कि हम यहाँ पर अब बहुत मुश्किल में हैं और अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें टीम वर्क करना होगा, इस तरह लड़ने से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर उनको बचाने वाले यानी गोंग और उनके साथी अभी भी उन लोगों को तलाश कर रहे थे, जबकि माऊ ने गोंग के लिए बहुत से वेपन्स बनाए थे जो कि उन्हें मॉन्स्टर स्नेक से लड़ने में हेल्प आउट करता। और यहीं अब हम गोंग को एक और साथी को देख रहे थे जो कि एक रिवर की तरफ बढ़ा था पानी पीने और कलेक्ट करने के लिए, और अचानक एक उड़ती हुई क्रिएचर उस पर अटैक कर देती है। और असल में ये एक मॉन्स्टर फिश थी जिसके बहुत बड़े बड़े टीथ थे और ये फिशेस पानी के बाहर भी फ्लाई कर सकती थी, इसीलिए इन्हें फ्लाई फिशेस कहा जाता है। वो फिश दोबारा उस पर अटैक करती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उससे बचते हुए उसे अपने हाथ में कैच कर लेता है और उसे दोबारा वो रिवर में फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो जान चुका था कि यहाँ पर सिर्फ एक फ्लाई फिश नहीं है, क्योंकि जितना उस जगह पर शोर था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत हजारों की तादाद में फिशेस थी। वो लड़का जल्दी से जंगल के अंदर भागता है अपने साथियों को इन फिशेस के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो फिशेस भी उनका पीछा करती है और इन फिशेस के अटैक से बचने के लिए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वहाँ से भागना पड़ा था। लेकिन वो कितनी भी तेजी से भाग पाते वो फिशेस उनसे भी ज्यादा तेज थी, इसीलिए वो लोग लड़ने का डिसाइड करते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए वेपन से अपने सामने आने वाली फिशेस को मारते हैं। लेकिन वो अब सबके सब फिशेस को भी नहीं मार सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो लोग दरख्तों के पीछे छुप रहे थे, जबकि माऊ अब उन फिशेस से लड़ रहा था ताकि उनके ग्रुप के बाकी लोग वहाँ से भाग सकें। और इसके रिजल्ट में उसने खुद ही अपना नुकसान करवा लिया था, एक फ्लाई फिश ने उसके हैंड पर बाइट कर लिया था। और अब यहाँ पर गोंग को फील हुआ था कि ये फिशेस सिर्फ फॉग के साथ साथ ही ट्रेवल कर रही थी, इसीलिए वो जंगल में ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर फॉग नहीं थी। और
इस तरह करने से वो लोग इस एनिमल के अटैक से बच गए थे। लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था, क्योंकि माओ को यहाँ पर बहुत बड़े एनिमल का फुटप्रिंट यानी पाँव का निशान नजर आया था। वो लोग ऊपर दरख्त की तरफ देखते हैं जहाँ अजीब सा मॉन्स्टर था। उनमें से एक आदमी उस मॉन्स्टर को एक पत्थर से मारने ही वाला था कि तभी दूसरा आदमी उन्हें रोकता, लेकिन उसी दौरान उस क्रिएचर को एक अजीब सा टेंटिकल आकर खा लेता है। ये रेड कलर का टेंटिकल हम पहले भी मूवी में देख चुके थे। और फिर एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर जंप करती हुई आसमान से उनके पास गिरती है, और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि ये एक मॉन्स्टर फ्रॉग था जिसने पहले भी अपनी टंग की हेल्प से लोगों को खाया था। सब लोग उस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर भी अब उनके पीछे पीछे था, और वो अपनी बहुत बड़ी सी टंग निकाल कर अब एक ओल्ड मैन को पकड़ लेता है। पर उस ओल्ड मैन ने उस बड़े से मॉन्स्टर के आगे हार नहीं मानी थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक ट्री को पकड़ लिया था, और अब बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए आ गए थे। सब लोग मिलकर उसे अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन ये सब काफी नहीं था क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए अब वहाँ पर एक आदमी उस मॉन्स्टर की टंग को काटने का सोचता है, और जैसे ही वो अपनी नाइफ उसकी टंग पर लगाता है तो उसकी टंग को तो कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी टंग में से एक ऐसा लिक्विड निकला था जिससे उस दूसरे आदमी का फेस पूरा का पूरा जल चुका था। और अब यहाँ पर माओ जो के काफी आगे चला गया था, वो अपना बनाया हुआ वेपन लेकर वापस मुड़ता है और उस वेपन से उस मॉन्स्टर फ्रॉग की आई पर अटैक कर देता है, जिससे अब उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और इसी पेन की वजह से वो ओल्ड मैन को भी छोड़ चुका था। इसी वजह से सब लोगों को वहाँ से भागने का भी मौका मिल जाता है। वो सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर फ्रॉग भी अब गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो जंप करता है। और उसकी एक छोटी सी जंप ने इतना फासला तय कर लिया था जितना इन लोगों ने काफी देर भाग कर किया था। और इससे पहले कि अब वो लोगों को खा जाता, यहाँ पर बहुत बड़ा स्नेक उसे हवा में ही खा लेता है। यहाँ सब लोग ये नजारा गौर से और डरते हुए देख रहे थे, जहाँ एक बहुत बड़े से फ्रॉग मॉन्स्टर को एक स्नेक मॉन्स्टर ने खा लिया था। को देखते ही देखते अब स्नेक का उस फ्रॉग को खाने के बाद ध्यान इन आदमियों की तरफ गया था। जैसे जैसे वो लोग आगे भाग रहे थे, स्नेक भी बहुत तेजी से उनके पीछे पीछे आ रहा था। और इस दौरान ओल्ड मैन और वो बॉय जिस पर फ्रॉग का लिक्विड गिरा था, वो लोग आहिस्ता भाग रहे थे, इसीलिए स्नेक उन्हें खाने वाला था। लेकिन लकीली वो फॉरेस्ट में ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे ट्रीज बहुत करीब थे, और उनके अंदर मुंह करने से स्नेक का मुंह उन ट्रीज के दरमियान में फंस जाता है, और उन लोगों को बचने का चांस मिल जाता है। और अब यहाँ पर एक आदमी उन दोनों को बचाने के लिए स्नेक का ध्यान डाइवर्ट करता है उस पर एक कोकोनट गिराकर, लेकिन ये करने से उसने अपने आप को ही खतरे में डाल दिया था। और जैसे ही स्नेक अब उसे खाने वाला था, वो बहुत तेजी से जंगल के अंदर भागता है और खुद को छोटे छोटे पौधों के अंदर छुपा लेता है, जिससे स्नेक उसे देख नहीं पाया था, और इस तरह फिलहाल के लिए वो भी बच गया था। के बाद अब मॉन्स्टर वापस पीछे की तरफ मुड़ा, जहाँ पर वो ओल्ड मैन और दूसरा लड़का था। ओल्ड मैन तो यहाँ से बचकर दूसरी तरफ भाग गया था, जबकि दूसरे आदमी को ये पता नहीं चला था कि स्नेक उसका ही पीछा कर रहा है। और जैसे ही अब वो पीछे मुंह करता है तो स्नेक को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो आदमी अब स्नेक से माफी मांग रहा था, वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्नेक उसकी कोई बात नहीं समझता और वो उसे खा जाता है। जबकि बाकी सब लोग अब स्नेक से बचने के लिए एक रिवर में जंप कर देते हैं और पानी में छुप जाते हैं, जिस वजह से स्नेक अब उन सबको वहीं पर छोड़कर अपने केव की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ केव के अंदर लोगों को जैसे ही जमीन के ऊपर वाइब्रेशन फील होती है तो वो लोग मरने का ड्रामा शुरू कर देते हैं ताकि स्नेक उन्हें मरा हुआ समझे और उन्हें कुछ ना कह पाए। और यहाँ पर अब उस बड़े से स्नेक ने आकर उस आदमी को फेंका था कि गोंग का ही साथी था। और अब जैसे ही उस मॉन्स्टर स्नेक ने ये देखा था कि उसका बेबी मर चुका है, तो वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। और जैसे ही वो गुस्से में यहाँ से जाता है तो वो सब लोग यहाँ से बाहर जाने का प्लान करते हैं। और अब यहाँ पर वो सब लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि स्नेक के बाकी एक्सपर्ट टूट गए थे और गोंग की बेटी को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया था, जिसे अब कोई रास्ता नहीं मिला था सिवाय इसके कि वो वहीं पर बैठी रहती। वो स्नेक से इस तरह कॉन्टेक्ट करती है जिस तरह वो फूड नहीं है बल्कि वो तो उन्हीं के साथ ही है। और यहाँ पर ये बेबी स्नेक्स उसको अपनी मॉम समझ रहे थे, और अब वो स्नेक्स गोंग की बेटी को छोड़कर उस तरफ जाते हैं जहाँ पर
बाकी लोग थे, जिसमें से बिजनेसमैन उस नेस्ट में से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन हम पर रिवील हुआ था कि वो बिजनेसमैन बहुत सेल्फिश है, इसीलिए उसने अपने हेल्प करने वालों के बारे में भी नहीं सोचा था, बल्कि वो वहाँ से भाग चुका था। और इतने में उस स्नेक ने वहाँ पर एक आदमी को मार दिया था। और यहीं दूसरी तरफ अब हम गोंग और उसके साथियों को देख रहे थे, जिनको जंगल के दरमियान में एक अजीबोगरीब बिल्डिंग नजर आई थी। ये जगह काफी पुरानी थी, लेकिन फिलहाल उनको इस जगह की सूरत में एक शेल्टर मिल गया था। और वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में ये बिल्डिंग एक लेबोरेटरी है, और उन्हें यहाँ पर अब एक सोल्जर का स्केल्टन भी मिला था, जिसको देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत अरसा पहले मर चुका था। और अब यहाँ पर बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ था कि यहाँ पर लोग इस जगह की क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए आए थे, और असल में उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये क्रिएचर्स इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में चेंज हुई थी। वो लोग यहाँ पर पड़ी हुई मशीन्स के जरिए रेस्क्यू टीम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि तभी उनकी बिल्डिंग में एक और आदमी आता है, और असल में ये वही बिजनेसमैन था जो स्नेक के नेस्ट से बचकर आया था। सभी लोग उससे बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ वो सबके सामने साफ झूठ बोल देता है कि वहाँ पर मेरे अलावा सब लोग मर चुके हैं। और उसकी ये बात सुनकर गोंग अब अपने हवास खो चुका था, क्योंकि उसकी बेटी ही तो उसकी लास्ट होप थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग यहीं पर सो जाते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी आंख हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। वो लोग जल्दी से बाहर जाते हैं। गोंग भी उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने वाला था, तो उसे उस वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल रिसीव होते हैं, जो वॉकी टॉकी उसकी डॉटर के पास थी। यहीं दूसरी तरफ वो हेलीकॉप्टर उन सर्वाइवर्स को भी नहीं देख पाया था, बल्कि आगे बढ़ गया था। गोंग जल्दी से अपने ग्रुप के पास जाकर बताता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, और उसके पास और भी बहुत से लोग जिंदा हैं, और हमें उनको बचाना चाहिए। जबकि यहाँ बिजनेसमैन सबको कह रहा था कि तुम लोग पागल हो चुके हो, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है, और बिजनेसमैन की ये बात सब लोग मान जाते हैं। ये सोचकर कि गोंग शायद शॉक में है, इसलिए ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन जैसे ही वो वॉकी टॉकी से सच में लड़की की आवाज़ सुनते हैं, तो उनको यकीन हो जाता है कि वहाँ पर बहुत से लोग जिंदा हैं। और उनकी आवाज़ सुनते ही वो बिजनेसमैन तो वहाँ से भाग चुका था, और अब उसे पकड़ने के लिए ओल्ड मैन भी उसके पीछे भागा था, जबकि बाकी लोग स्नेक के नेस्ट को ढूंढ रहे थे, जिसके अंदर गोंग की बेटी के साथ साथ एक और लड़की भी थी, जिसका नाम सुशी था, और वहीं पर बहुत से और बेबी स्नेक्स भी एग तोड़कर बाहर निकल चुके थे। जबकि यहाँ पर बिजनेसमैन को दोबारा वो हेलीकॉप्टर नजर आया था, और उसने हेलीकॉप्टर को अपने तक अट्रैक्ट भी कर लिया था। पर इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता, वो बहुत बड़ा सा स्नेक हेलीकॉप्टर को ही हवा में खा जाता है। और अब यहाँ पर ओल्ड मैन ने भी उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया था। अब बिजनेसमैन ओल्ड मैन को मार चुका था, जबकि दूसरी तरफ अब हमें स्नेक के नेस्ट का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर अब बहुत सारे स्नेक हो चुके थे, और वो लोग उन दोनों लड़कियों को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर सबसे पहले निकला हुआ स्नेक उन सारे को रोक देता है, क्योंकि उस स्नेक को लग रहा था कि गोंग की बेटी उनकी मॉम है। जबकि यहीं से अब गोंग की बेटी को अपने फादर की आवाज भी आने लगी थी, जो कि उनको ढूंढते ढूंढते स्नेक के इस नेस्ट तक पहुंच चुका था। फाइनली गोंग को भी अपनी बेटी मिल चुकी थी, और वो अपनी बेटी और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए उस नेस्ट के अंदर ट्री की एक जड़ को डाल देता है। और जैसे जैसे अब वो अपनी बेटी और सुशी को ऊपर की तरफ खींच रहा था, तभी वहां पर वो बहुत बड़ा सा स्नेक भी आ चुका था, जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन इससे पहले वो स्नेक उनको कुछ कहता, यहाँ पर माओ एंट्री करता है, और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई एक्स से स्नेक की आई पर अटैक कर उसे 2 मिनट के लिए वहाँ से दूर कर देता है। जिस दौरान गोंग को मौका मिल चुका था कि वो उन लड़कियों को बाहर निकाल ले, और जितनी देर में गोंग ये काम कर रहा था, तब तक माओ स्नेक से लड़ता रहता है, लेकिन वो भी कितना लड़ पाता। यहाँ पर अब आखिर स्नेक उसे खाने ही वाला था, लेकिन पीछे से उनका एक और साथी आकर अपने वेपन से स्नेक की दूसरी आई पर भी अटैक कर देता है, और यही का देखते हुए माऊ एक ट्री को गिरा देता है, जिसकी वजह से स्नेक अब उनसे काफी दूर हो चुका था। लेकिन यहीं दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि वो लड़कियां अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी, और यहां पर आखिरी मिनट में उनकी हेल्प शिप का कैप्टन करता है। वो उन दोनों लड़कियों को ऊपर करने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों लड़कियां तो बाहर निकल गई थी, पर वो कैप्टन वहीं पर मर चुका था। उसने उन लड़कियों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था, और अभी वो लोग अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि स्नेक को भी होश आ गया था, जिसे उन्होंने उस बड़े से ट्री से नुकसान पहुंचाया था। और यहीं अब हमें बिजनेसमैन को भी दिखाया जा रहा था, जो भागते भागते उसी जगह पर पहुंच गया था जहां से उसने स्टार्ट किया था, और जिस आदमी को उसने मारा था उसी की बॉडी से टक्कर लगकर वो अब उसी नेस्ट में गिर चुका था, जिस नेस्ट से वो बहुत मुश्किल से निकला था, और उसे यहां पर अब बेबी स्नेक्स खा चुके थे। यहीं पर अब हम बाकी सब लोगों को देख रहे थे, जो कि उस स्नेक से बचकर भाग रहे थे। लेकिन यहां पर माऊ सबसे कहता है कि हम थोड़ी देर से ज्यादा उस स्नेक से बचकर नहीं
नहीं भाग सकते, इसीलिए हमें उस स्नेक को खत्म करना होगा। उसके कहने के अकॉर्डिंग ही अब यहाँ पर स्नेक भी आ चुका था। वो सब लोगों को आगे भेज देता है और खुद उस स्नेक से लड़ने लग जाता है। स्नेक जैसे ही मुड़ता है वो अपनी एक्स से स्नेक के नीचे से गुजरते हुए उसकी पूरी बॉडी पर कट लगा देता है। लेकिन इस अटैक से स्नेक को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो माओ को ही मारने वाला था। और माओ को यहाँ पर बचाने के लिए अब उसका दूसरा साथी आया था और वो दोनों अब जानबूझकर दोबारा जंगल के अंदर जाते हैं ताकि बाकी सर्वाइवर्स वहाँ से भाग सकें और वो स्नेक को डाइवर्ट कर दें। वो दोनों उस स्नेक को उस ट्री तक लेकर आते हैं जिसके अंदर से फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था। यहाँ अब स्नेक भी माओ के साथी को देख चुका था, लेकिन उसको खाने से पहले ही स्नेक को अंदाजा हो गया था कि उन्होंने ये ट्रैप बनाया है। जबकि दूसरी तरफ हम गोंग को देख रहे थे जो अपनी बेटी को वहाँ से भागने का कहकर खुद उनकी मदद करने के लिए जाता है। और यहीं पर अब माओ ने अपना स्टिक उस फ्लेमेबल लिक्विड में डिप कर दिया था। यहीं पर अब माओ का साथी भागते हुए जंगल से दोबारा वापस आता है जहाँ पर गोंग जंगल के अंदर जाने वाला था। वो सब लोगों को वहाँ से भागने का कह रहे थे, जिससे गोंग को अंदाजा हुआ था कि उनसे कोई गलती हो गई है। और उनके पीछे देखते ही यहाँ पर सच में कुछ बहुत गलत हो चुका था। उस स्नेक ने दोबारा गोंग की बेटी को खा लिया था, जिसे देखते ही अब गोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस स्नेक से खुद लड़ने का डिसाइड करता है। और जैसे ही वो उसे लड़ने के लिए स्नेक के आगे जाता है तो स्नेक अब उसे खाने वाला था। पर स्नेक के मुंह खोलते ही अब वहाँ पर फॉरेस्ट से माओ निकला था जिसके हाथ में आग थी, जिसे डर कर स्नेक दोबारा जंगल के अंदर भाग गया था। और माओ भी अब उसका पीछा कर रहा था। और स्नेक जैसे ही उन ट्रीज के पास पहुँचता है जिसमें से फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था, तो माओ वहाँ पर अपने हाथ में पकड़ी हुई आग फेंक देता है, जिससे वो स्नेक अब पूरा का पूरा जल चुका था। और वो अब अपने आप को बचाने के लिए जंगल से दोबारा बाहर निकला था, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाया था क्योंकि वो मर चुका था। गोंग जल्दी से उस मरे हुए स्नेक के पास पहुंचता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और स्नेक का मुंह खोलते ही गोंग को फौरन अपनी बेटी का हाथ नजर आता है, जिसे वो अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन गोंग की बेटी अब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उनको लग रहा था कि शायद वो मर गई है, इसीलिए वो उसको लिटा कर होश दिलाने की कोशिश करते हैं। और कुछ मिनट की मेहनत के बाद ही खुशकिस्मती से उसे होश आ भी जाता है, जिसे जिंदा देखकर अब गोंग और उसके बाकी साथी बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और आखिरकार वो लोग उस स्नेक से बच भी गए थे, जिसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।